क्या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक पीने का बहुत मजा आता है? तो आइए देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, जिस भी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में क्या क्या होता है, और उसको जानने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आपके सॉफ्ट ड्रिंक में होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का प्रमाण अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं, दांतों की बीमारियां हो सकती है और हमारा डाइजेशन भी खराब हो सकता है। तो उसके बाद दूसरी चीज हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में होती है शुगर। नॉर्मल शुगर लेवल से बहुत ज्यादा शुगर हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में होती है। ज्यादा शुगर की वजह से हमारा वजन बढ़ सकता है और टाइप 2 डायबिटीज होने का चांसेस जो है वो नॉर्मल लोगों से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में तीसरी चीज होती है कैफेन। ये कैफेन की वजह से आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है और ये कैफेन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। उसके बाद आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी पीएच 2 से 3 की होती है, यानी कि आपका सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। अब दोस्तों आपको सोचना है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक रेगुलर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए।